हेलो एंड वेलकम एवरीवन ऑन माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। तो हे यंग एडवोकेट्स, दिस वीडियो इज अगेन फॉर यू। व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड व्हाइल यू आर डूइंग योर इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस। सो लेट मी अज्यूम यू आर हैविंग वन ईयर एक्सपीरियंस और यू आर हैविंग लेस देन इवन दैट एंड यू हैव नाउ थॉट यू वांट टू हैव इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस। देखो, दूसरे स्टेट्स में इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस का इतना बड़ा टैबूज नहीं है जितना ज्यादा दिल्ली में ये डिफिकल्ट हो जा रहा है। व्हाई? रीजन भी बहुत सारे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द कॉम्पिटिशन रेट इन दिल्ली इज वेरी वेरी हाई, इट इज स्काई रॉकेटिंग। आपको यहाँ क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे, यही सबसे बड़ा एक क्वेश्चन हो जाता है। एक महीने, दो महीने, एक साल भर तो आप इसी डिलेमा में रहोगे कि क्लाइंट आएगा तो कैसे आएगा। सो दिस बिकम्स अ वेरी वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन टू एडवोकेट्स हु आर एक्चुअली प्रैक्टिसिंग इन दिल्ली। ये एक क्वेश्चन आप बोलोगे दूसरे स्टेट्स के भी लोग फेस करते होंगे। डेफिनेटली हो सकता है वो फेस करते हैं, बट जो रेट ऑफ यू नो कॉम्पिटिशन है दिल्ली में या फिर अदर मेट्रोपॉलिटन सिटीज लाइक कलकत्ता और मुंबई और हैदराबाद, सो वो उतना ज्यादा और दूसरे स्टेट में नहीं है। आप कहोगे मैम ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, हम भी बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, हमारे यहाँ भी बहुत कंपटीशन है। तो ओ भाई, क्षमा क्षमा प्रार्थी, आप भी बहुत मेहनत करते हैं और आप भी बहुत ज्यादा कंपटीशन देख रहे हैं, बट यहाँ क्या है, यहाँ क्लाइंट मिलना ही एकदम इम्पॉसिबल। केस आएगा तब तो लड़ोगे, यहाँ केस मिलना ही बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जा रहा है यंग एडवोकेट्स के लिए। नाउ कमिंग फॉरवर्ड, आई हैड ऑलरेडी सेड इन माय वन ऑफ द प्रीवियस वीडियो कि अब आप वकील हो, आप यदि अपना विजिटिंग कार्ड या अपना यू नो अपना क्या आपकी प्रोफेशन में आप क्या डील करते हो, सबके घर नॉक नॉक करके तो बताने जाने वाले होने और जाना चाहिए भी नहीं, क्योंकि इतनी मेहनत से आपने वकालत की डिग्री हासिल की है, साथ साथ आपने अपने स्किल सेट को इतना ज्यादा इम्प्रोवाइज किया है कि नाउ यू आर कॉन्फिडेंट एनफ टू हैव योर इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस। इतने मेहनत के बाद नॉक नॉक करने वाली तो हालत खैर नहीं है और नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यू हैव टू कीप दैट ऑरा ऑल्सो दैट यू आर एन एडवोकेट। ये काफी नोबल प्रोफेशन है। ओके, अब आप समझ लो कि आप वहां हर एक घर पे नॉक नॉक जा रहे हो, वैसे जाने का यदि मन हो तो तब तो जाइए, कोई नहीं, वैसे रोक तो कोई नहीं रहा है, बट इट डजंट शोकेस द ब्यूटी ऑफ एन एडवोकेट। सो व्हाट यू कैन से, अब यदि आप बोलोगे कि मैम हमने ना अपना बोर्ड वगैरह भी सब बाहर रख दिया है, अब क्लाइंट नहीं आ रहे हैं तो क्या करें? अब क्लाइंट को आप जबरदस्ती तो ला नहीं सकते हैं, वो अब कैसे होगा, वो कैसे होगा, वो एक क्वेश्चन है जिसपे ग्रे एरिया तो है, बट अब आप क्या कुछ कर सकते हो इस पे? तो डेफिनेटली यू कैन डू एनीथिंग अबाउट इट। व्हाट यू कैन डू इज यू कैन इम्प्रोवाइज योर वर्क, यू कैन कीप गोइंग ऑन, यू हैव टू बी परसिस्टेंट विथ योर पेशेंस। ओके, अपना परसिफरेंस को कंटिन्यू रखना है, पेशेंस को कंटिन्यू रखना है, ठीक है, क्योंकि इस प्रोफेशन में इस दौरान बहुत ही ज्यादा इम्पेशेंस होगा। हो सकता है कि आपको केस नहीं आया, तो बहुत साधारण सी बात है, आपकी बेसिक सर्वाइवल पे अटैक हो रहा है, यू कैन गो इनटू एंजाइटी व्हिच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन माय प्रीवियस वीडियोस। नाउ व्हाट टू डू, डूज एंड डोंट्स में क्या कर सकते हैं? अब वो एक टाइम टू टाइम ना अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाइए, और साथ साथ मैं जो जेनरली आई फॉलो इन माई लाइफ इज स्वॉट एनालिसिस। ये मुझे कॉलेज में सिखाया गया था, अब लाइफ में समझ आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट। वॉट इज दैट, योर स्ट्रेंथ, वीकनेस, योर थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटीज, ये है स्वॉट एनालिसिस। उसमें आप अपना एनालिसिस कीजिए कि पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है अभी लाइफ के। आप ड्राफ्टिंग में बहुत बढ़िया हो, आर्ग्यूमेंट में बहुत बढ़िया हो, या आप अपना PR में बढ़िया हो, आपका पब्लिक रिलेशन बहुत बढ़िया है, या आपकी लॉ की नॉलेज बहुत बढ़िया है, या फिर आपके रिसोर्सेस बहुत अच्छे हैं, पता चला कि आपके पास कंप्यूटर के 3-4 कंप्यूटर्स हैं, गैजेट्स हैं, तो आप तो रिसोर्सेस में तो काफी अच्छे हो, या फिर यू हैव योर ओन व्हीकल, राइट, दैट इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। तो अपने एसेट्स को पहले काउंट डाउन कीजिए कि क्या एसेट्स है आपके। उसके साथ साथ देयर विल बी सिनेरियोस इन व्हिच यू नो Which will be your grey areas, like clientage नहीं है, या फिर हो सकता है दिल्ली आपका पेरेंट स्टेट नहीं है, यू आर फ्रॉम डिफरेंट स्टेट, मे बी यू आर फ्रॉम कर्नाटका, यू आर फ्रॉम बिहार, यू आर फ्रॉम उड़ीसा, यू माइट बी फ्रॉम अ डिफरेंट स्टेट बट नॉट फ्रॉम द पर्टिकुलर स्टेट इन विच यू आर प्रैक्टिसिंग, फॉर एग्जाम्पल मुंबई और दिल्ली।
वो एक ग्रे एरिया हो सकता है, बट अब यहाँ पे इसका क्या कोई सोल्यूशन है? डेफिनेटली सोल्यूशन है, डू नेटवर्किंग। अरे एडवोकेट से ज्यादा बढ़िया नेटवर्किंग इस कोई भी प्रोफेशन में कर सकता है। एमबीए वालों को भी आपने बहुत ही पीछे पछाड़ मार रखा है, तो डू फोकस ऑन योर नेटवर्किंग, कैसे आप अपना लिंकअप्स बना सके। कोर्ट जा रहे हो आप बातें कीजिए ना, आप अपने विजिटिंग कार्ड लेके आप बातें कीजिए, बताइए आप ये काम करते हो, इस काम को आप उम्दा करते हो, तो आप करेक्शन अपना बिल्डअप कीजिए। टाइम लग सकता है बट ऐसा नहीं है कि आपको केसेस नहीं आएंगे। सो मेक योर वेरी रैपिड कनेक्शंस, मेक योर नेटवर्क, मेक योर वर्थ इन द मार्केट। आप बताइए लोगों को कि आप इस लीगल इंडस्ट्री में आप आ चुके हैं, आप भी हुए हैं जो आप ये पर्टिकुलर डील अप करते हैं, ये काम करते हो। सो यू कैन डू दिस, यू कैन स्टार्ट विथ एवरीवन, मेक अ क्लाइंटेज बेस विथ एवरीवन। इट कुड बी योर फ्रेंड्स, इट कुड बी समबडी हु इज अ स्ट्रेंजर। ओके, अब ऐसा है नहीं कि आप गए सब्जी खरीदने और वहां पे अपना कार्ड दे दिया, वहां पे लगेगा कि क्या है तो हर जगह मुझे बोल रहे हैं। सो मेक, हैव योर प्रेजेंस ऑफ माइंड वेरी इंटैक्ट, व्हाट टू डू, व्हाट टू डू, मेक वेरी श्योर टू ग्रास्प द अपॉर्चुनिटीज। सो दिस इज हाउ यू कैन मेक योर सेल्फ दिस बेसिक क्वेश्चन अवे फ्रॉम दिस बेसिक क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल। वंस यू आर सॉर्ट आउट ऑफ दिस बेसिक क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल, देन ओनली यू कैन फ्लरिश। क्योंकि जब तक आप ये सर्वाइवल वाले क्वेश्चन में झूलते रहोगे, अब तो प्रेशर के अंडर हो, प्रेशर के अंडर आदमी क्या करता है, प्रेशर के अंडर सिर्फ आदमी एंजाइटी डिप्रेशन में जाता है, वो अपना वो ब्लूम नहीं कर सकता। यदि उसको कुछ आता भी है, he or she will be subdued under pressure. So it is very important कि आप अपने सोल्यूशन aspects पे काम करें कि आप एज एडवोकेट हाउ कैन यू बिल्ड अप। नाउ इवन इफ यदि आपने जूनियरशिप करी है, टेल योर यू नो पीपल यू आर अराउंड देयर कि यू हैव स्टार्टेड योर इंडिपेंडेंट वर्क, यू आर वर्किंग ऑन दिस पर्टिकुलर एरिया। ट्राई टू अप्रोच पीपल, नेटवर्क एज मच एज पॉसिबल विथ दैट, मेक श्योर यू आर वेरी वेल वर्स्ड विद द एरिया ऑफ वर्क दैट यू आर डूइंग। पता चला केस तो आया बट वकील साहब को करने ही नहीं आता है, फिर क्या होगा, वो केस आपसे लेके किसी और के पास दे दिया जाएगा, तो भाई इतनी मेहनत का फिर हुआ क्या परिणाम, परिणाम कुछ नहीं हो पाया। तो इसके साथ क्या जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपका जो इसके साथ बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपना स्किल सेट पे भी फोकस करें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज मोस्ट एट हाउ एफिशिएंट, हाउ वेल इक्विप्ड यू आर विथ योर वर्क, प्लस कीप योर रिसोर्सेस। जो बेसिक ईयर ऑफ योर लॉ है ना, उसमें आप इन्वेस्टमेंट करें आपके जो थिंग्स ऑफ रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जाम्पल आपके स्टैम्प पैड्स हो गए, आप एक पेन ड्राइव ले सकते हो जिसमें आप अपने डेटाज रख सकते हो, यू कैन हैव प्रिंटर, स्कैनर, आजकल तो मल्टी फंक्शनल आते हैं, कीप थिंग्स दैट आर मोर रिसोर्सफुल फॉर योर ऑफिस। आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल टू यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, यू कैन सब्सक्राइब एंड जॉइन द फैमिली, बाय बाय।